नमस्कार, साईं सन स्टडी जोन में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हमारा भारत शीर्षक का एक विशेष टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का प्रभाव। तो आइए इसको शुरू करते हैं। भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का प्रभाव तापमान, मौसम, समय आदि पर पड़ता है। बढ़ते अक्षांश के अनुसार तापमान घटता जाता है, क्योंकि उसकी दूरी विषुवत रेखा से बढ़ती जाती है। विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जबकि बढ़ते अक्षांश के साथ किरणें तिरछी होती जाती हैं। अतः रेखा का क्षेत्र अधिकतम गर्म होता है और ध्रुव प्रदेश न्यूनतम गर्म रहता है या बिल्कुल ठंडा रहता है। यही कारण है कि केरल और तमिलनाडु में, जो कि विषुवत रेखा के निकट है, सदा तापमान अधिक रहता है। जम्मू कश्मीर में, जो विषुवत रेखा से काफ़ी दूर है, तापमान बहुत कम रहता है, जिसका प्रभाव वहाँ की खेती, खान पान, वेशभूषा, दिनचर्या आदि पर पड़ता है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। इस रेखा के उत्तर वाले भूभाग में सूर्य की किरणें कभी लंबवत नहीं पड़ती, अतः उत्तरी भाग शीतोष्ण क्षेत्र बन जाता है। कर्क रेखा के दक्षिणी भाग में सूर्य की किरणें किसी न किसी स्थान पर किसी समय लंबवत अवश्य पड़ती हैं, अतः यह क्षेत्र उष्ण क्षेत्र के अंदर आ जाता है। अक्षांशीय दूरी बढ़ने से दिन रात की अवधि लंबाई में अंतर आता है। केरल एवं तमिलनाडु में, जहां सबसे छोटे एवं सबसे बड़े दिन में 45 मिनट का अंतर आता है, वहीं लेह में यह अंतर 5 घंटे का हो जाता है। देशांतरीय विस्तार का प्रभाव समय पर पड़ता है। देशांतर की दूरी ग्रीनविच ब्रिटेन से मापी जाती है। ज्यों ज्यों पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते हैं, समय बढ़ता जाता है। 15 डिग्री देशांतरीय दूरी में लगभग 30 डिग्री का अंतर है। इसी कारण जहां अरुणाचल प्रदेश में जिस समय सूर्योदय होता है, उससे ठीक 2 घंटे बाद कच्छ प्रदेश गुजरात में सूर्योदय होता है। अतः 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा को भारत का मानक यामयोत्तर, मानक देशांतर माना जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से गुजरती है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का प्रभाव देखा, और भी हम लोग आगे सीखते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।